गाइस, क्या चल रहा है? होपफुली आप सब से लोग ठीक ठाक हो के अल्लाह ताला आपको सबको खुश हो और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो व्लॉग शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमने मेरे चैनल को यार लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें यार। नहीं प्लीज, बहुत मेहनत करता हूँ, साथ जॉब भी करता हूँ, साथ व्लॉग भी करता हूँ, साथ स्टडी भी करता हूँ और साथ गाड़ियों का बिजनेस भी करता हूँ। देख ले, एक बंदे एक छोटी सी जान कितने कितने काम संभाल के बैठी है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपको हॉस्पिटल का भी दिखाते हैं व्यूज। हॉस्पिटल का व्यूज है, देखें सारी गाड़ियाँ बड़ी पड़ी है, सिवाय मेरी गाड़ी के, क्योंकि मेरी सिवाय गाड़ी के अंदर भी हीटर ऑन था, तो इस वजह से ये मेरी गाड़ी जी खड़ी हुई है। तो लेकिन काफी गंदी हुई हुई थी, अब उम्मीद है अब साफ हो गई होगी। नहीं तो मेरे 15 यूरो इसके सर्विस चार्जेस लग जाने थे, ठीक है, लेकिन कहीं पे ब्लैक आइस की वजह से ये ना हो कि वो अगर ब्लैक आइस की वजह से गंदी हो गई तो वो फिर डेफिनेटली मुझे वॉश करनी पड़ेगी। और ये देख लीजिए आगे से गाड़ी की कंडीशन आप देखें, ठीक है। बाइक के मुड़कों में पहली बार नहीं देखी, यानी कि मेरी जॉब से इस तरह की होती थी, कहाँ पे मैं अंदर ही काम कर रहा होता था कि उसे क्या कहते हैं बाइक जो भी हो रहा है हमें अंदर पता नहीं लगता था। और ये अभी दोबारा से स्नो स्टार्ट हो गई हुई है, ठीक है, तो देखें। और अभी मेरा बूट स्लिप नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कौन सी जोगड़ पहने हुए, यह है स्पोर्ट्स, यानी कि आउट, इसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स आउटडोर है, यानी कि आप कह रहे हैं पहाड़ों पे चढ़ने वाले हैं ये बूट, तो इस वजह से ये ना स्लिप नहीं हो रहे यहाँ पे, वरना यहाँ पे स्लिप काफ़ी है, क्योंकि मार्क बेचारा 2 बार गिरा ऊपर से उससे उठा भी नहीं ना जाता, बेचारा मोटा है जी। बर्फ जमी पड़ी है, बिल्कुल जमी पड़ी है बर्फ, ठीक है। अभी 2 लड़कियां गिर के अंदर गई हैं बेचारी। भाई मजा आया? नहीं तो मैंने बड़ी कोशिश की थी, मुझे ना जैकेट डालने नहीं पड़े, लेकिन अब मुझे कैनेडा घूमने काटनी पड़ रही है क्योंकि सर्दी बहुत आ गई है, एकदम ही आई है आज। तो बस अब देखते हैं क्या होता है, क्या है। स्नो पा रही है, ओह माय गॉड, अभी आज भी पढ़नी है और कल भी पढ़नी है, ये सुनो सही है। चलो लेकिन अभी ना दाना वो नहीं पढ़ना शुरू हुआ, दादा मोटा नहीं पढ़ना शुरू हुआ अभी ना, दूसरे हाथ से भी काम ना वो देखे कितनी गाड़ी भर गए वो देखे। ये जी मोटर भी स्टार्ट हो रही है अभी, लेकिन ना इधर ही इधर है सुनो। लेकिन मैंने पाकिस्तान से अपने वो रबर्स तो मंगवा लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे के वेदर्स के लिए हमें रबर्स की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी, तो मैंने पाकिस्तान से मंगवा लिए ताकि ना मेरी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी के बगैर काम नहीं है यहाँ पे, गाड़ी का चार कौन से टायर हैं वो ही आपके यहाँ पे बाहर के मुल्कों में वो ही आपके पाँव होते हैं, तो बिना पाँव के मैं किस तरह चलूँगा, तो वो फिर मैंने मंगवाई है। तो देखें कितनी कितनी स्लो स्लो गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन हमारी गाड़ी ही तेज जा रही है इनमें से। खैर कोई बात नहीं, हमने जॉब पे भी तो पहुँच रहे हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा तेज ही जाना पड़ना है। खैर गाड़ी काफ़ी गाड़ी का स्टीयरिंग काफी ना स्लिप हो रहा है, और दूसरे
से नंबर पे मेरे कौन से गाड़ी का टायर है, वो भी समर टायर है, विंटर टायर नहीं है। ये देखे जी, और ये देखे मैंने ना गाड़ी की लाइट बंद कर दी थी, ठीक है, गाड़ी पे यानी कि मेरी स्लिप ना हो, क्योंकि ये जापानी गाड़ी है तो इसके अंदर ये इन्होंने ऑप्शन कॉमन रखी हुई है कि अगर आप ऑन भी कर सकते हैं तो ऑन भी हो सकती है, अगर ऑफ भी करना चाहें ऑफ भी रख सकते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी स्लिप बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि वो ऑटो कंट्रोल गाड़ी थी पहले, तो अब मैंने ये ऑफ कर दी हुई है कि अब ये मैनुअली कंट्रोल कर रही है, यानी कि मैं ही इसे कंट्रोल करूँगा, ये खुद यानी कि नहीं होगी। अच्छा अच्छा, तो खैर ये देखें जी, स्नो कितनी पर ज्यादा पड़ गई है। ओह माय गॉड, देखें कितनी का स्नो पड़ गई है, और अभी टिल पड़ रही है, और मेरी गाड़ी भी पीछे बारिश से ऐसे ही पूरी हुई हुई है, देखेंगे ठीक है, मेरी भी गाड़ी बिल्कुल ऐसे ही बड़ी पड़ी है बिल्कुल स्नो से। ये सारी आप अपनी गाड़ी साफ करने में लगे हो। आए मजे, वो देखो ये भी एक दिन पड़ा है, और अभी ये उन्होंने कहा है कि पूरा एक महीना। सुबह सुबह का व्यू, स्नो पर फॉग है, नीचे स्नो है, और ये हमारी गाड़ी है। अच्छा, हमको से गाड़ी आए, ठीक है, टेम्परेचर -4 है, फील लाइक -10 है। वो वार्निंग का साइन दिया हुआ इन्होंने, ऑप्शन लो रोड टेम्परेचर, ठीक है। ये देखे जी, जैसे आएगा ना जैसे, ये देखे सारे बड़े बड़े हैं,